माँ संकटा, संकटा माता व्रत कथा। व्रत विधि, ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए, सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। इसे शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। ये व्रत सभी को इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना चाहिए। इस व्रत में प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहने माँ भगवती की, संकटा माँ की पूजा करें और एक काठ पर लाल कपड़ा बिछाएं, कलश रखें और उसके ऊपर कटोरी, उसमें चावल भर के रखें, सामने दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करें। प्रसाद के लिए चावल के लड्डू या चूरा बनाएं या मिठाई, केला, संतरा, ऋतुफल इत्यादि, नारियल, सिंदूर, अन्य सौभाग्य द्रव्य, वस्त्र, धूप दीप, माला, दक्षिणा आदि चढ़ाकर माँ का पूजन करें। हाथ में गुड़हल या गुलाब लाल फूल लेकर के माँ संकटा का ध्यान करें। 10 भुजाओं में माँ के सुशोभित हैं, उनके हाथों में कमल, पुष्प, शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल, जल पूर्ण कलश, स्फटिक की माला, डमरू, तलवार इत्यादि। ऐसे माँ का जिनके 3 नेत्र हैं, जो समस्त गुणों से युक्त हैं, ऐसी माँ को प्रणाम करना चाहिए। अक्षत, फूल, द्रव्य इत्यादि समर्पित करना चाहिए। फिर कथा श्रवण करनी चाहिए और आरती करने के पश्चात भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। और संकल्प पूर्ण होने के बाद फिर 7 सुहागिनों को और एक बूढ़ी स्त्री को निमंत्रित करना चाहिए। सभी को सुहाग का सामान और भोजन इत्यादि कराना चाहिए, महावर इत्यादि लगाकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो आइए श्रवण करते हैं कथा। एक बूढ़ी स्त्री थी, उस बूढ़ी स्त्री का एक जवान बेटा था, नाम था रामनाथ। वो जीविका के लिए परदेश गया। पुत्र के विदेश जाने के बाद बूढ़ी माँ बहुत दुखी और चिंतित रहती थी। उसकी पुत्र वधु से बहुत ही खरी खोटी बातें सुनाती थी, इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से बाहर एक कुएं की जगत पर बैठकर रोती थी। बुढ़िया का ये क्रम चलता रहा तो एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नाम की स्त्री निकली। बुढ़िया से पूछा, वो बूढ़ी माँ तुम इस तरह से क्यों रोती हो, क्या दुख है? बुढ़िया ने उस स्त्री के ऐसे प्रश्न सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब बार बार पूछा तो झुंझला कर कहने लगी, क्या तुम सचमुच मेरे दुख को दूर करोगी? बोली, प्रयास तो करूंगी। दिए की माँ ने कहा कि यहाँ पास में संकटा माता का मंदिर है, तुम वहाँ जा सकती हो, कष्ट तो बताओ। कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश गया है, मेरी बहू मुझे बहुत सताती है, यही दुख का कारण है। कहा, फिर तो तुम्हें संकटा माँ के दर्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वह निसंतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग्य का भाग्य संवारती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्य स्त्रियों का अचल रहता है, कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर मिलता है, रोगी रोग मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त जो भी कामना होती है वो सभी माता पूरी करती हैं, इसमें तनिक संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के मंदिर गई, उनके चरणों में गिर कर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा माँ दया भाव से भरकर बुढ़िया से पूछने लगी, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण रोती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माँ आप तो सब कुछ जानने वाली हो, क्या सुनाऊँ आपको? बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, दुख तो बताओ। उसने सारी अपनी कथा बता दी। उसके पश्चात इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, जाओ घर मनौती मानो। संकटा माँ, मेरा लड़का यदि सकुशल पूर्वक घर आएगा तो पूजा करूँगी और जाके व्रत करो, फिर सुहागिनों को आमंत्रित करा के भोजन कराऊँगी। संकटा माँ के कहने के अनुसार उस बुढ़िया ने घर आकर फिर लड्डू बनाए, लेकिन विचित्र बात ये दिख रही थी कि जब 7 बनाती तो वो स्वतः 8 हो जाते थे। वो सोचने लगी, कहीं मेरी गलती है या भूल हो रही है, क्या है? उसी समय वृद्धाश्री के वेश में माँ संकटा आई और कहने लगी, क्यों आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है? बुढ़िया ने कहा, हाँ आज मेरे यहाँ संकटा माँ के निमित्त सुहागिनों को निमंत्रित किया है, लड्डू बना रही थी, 7 बनाती हूँ तो 8 हो जाते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर माँ संकटा ने कहा,
कि क्या तुमने किसी बुढ़िया को निमंत्रण किया दिया है? बुढ़िया बोली, नहीं। संकटा माँ ने कहा, फिर मुझे निमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर कहा, क्यों नहीं, आप ज़रूर चलिए हमारे यहाँ। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें भी आ गईं। बुढ़िया ने सबको लड्डू मिठाई भोजन कराया, सबका सम्मान किया। फिर माता संकटा की कृपा से धर रमानाथ के मन में ये आया कि चलो माँ और पत्नी से अब मिलता हूँ, घर चलता हूँ। सुहागनों को इधर भोजन करते ही उधर जब विश्राम हो रहा था, पूर्णाहुति हो रही थी, उद्यापन हो रहा था, तो बुढ़िया का लड़का परदेश से घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को मिली, लेकिन बुढ़िया तो सुहागनों में लगी थी, माँ की पूजा में वो नहीं गई। लड़के की बहू ने जब सुना तो तुरंत ही चली गई। बहू को देखकर बेटे ने सोचा, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, एक माँ है कि अभी तक नहीं आई। जब पूजा का कार्य पूर्ण हो गया, सुहागनें चली गई घर अपने, तब बेटे से मिलने के लिए आ गई। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तू अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, भाई बेटा तुम्हारी ही कुशलता के लिए मैंने तो संकटा माँ से मनौती मानी थी कि तुम आओगे तो फिर मैं सुहागनें नोतूंगी, और आज उद्यापन था तो वही पूरा कर रही थी। फिर संकटा माँ की कृपा से लड़के के मन में अपनी पत्नी से मन हट गया कि देखो माँ मेरी मुझे कितना प्यार करती हैं। माँ से बोला, या तो मैं रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। फिर बेटे ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकल कर बाहर आई और जाते जाते एक जगह जंगल पड़ा तो वहाँ पीपल का वृक्ष दिखा, उसी के नीचे बैठ गई, रो रही थी। उसी समय उधर से राजा वहाँ का गुजर रहा था। स्त्री को देखकर राजा रुककर पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? उसने सारी बात राजा को बताई। राजा कहा, चिंता मत करो, तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। और राजा उसको लेकर अपने घर आया, रानी से सब बात बता दी। और उसके पश्चात फिर रमानाथ की स्त्री ने भी संकटा माता के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागने खाने लगी तो रानी ने कहा, ये तो बड़े कठोर लड्डू हैं, हमें तो रबड़ी मलाई नहीं हजम होती, फिर ये कैसे होगा? ऐसी अवहेला माँ के प्रसाद की तो माँ ने क्रोधित होकर उसके ऊपर विपत्ति ला दी। माँ ने संकटा माँ की कृपा से इधर सुहागनों के भोजन करते ही उस स्त्री का पति अपने घर से लेने के लिए आया। पूजा करते हुए देखा तो पत्नी से क्षमा मांगा। पत्नी ने कहा, हे नाथ, ये सब प्रारब्ध से होता है, इसमें कोई दोष नहीं, आप तो मेरे ईश्वर स्वरूप हैं। और पूजा की समाप्ति होने पर दोनों पति पत्नी प्रसाद खा पीकर घर जाने को तैयार हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा कि देखो, हमें दुख पहुंचा मिला तो मैं धर्म भाई के यहाँ आई, और यदि भगवान ना करे आपको दुख पड़े तो मेरे यहाँ ज़रूर आना। ऐसा कहकर वो महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माँ का प्रकोप हो गया। बहू के जाने के पश्चात सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धन बहन कैसी थी कि उसके जाते यहाँ से सब राज्य नष्ट हो गया है, क्योंकि उसने तो माता संकटा के प्रसाद की अवहेलना की थी। रानी ने राजा से कहा, जाते समय कह गई थी वो, मेरे ऊपर कष्ट पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ आई, तुम्हारे ऊपर कदाचित पड़े तो मेरे यहाँ आना, संकोच ना करना, तो चलो हम लोग चलते हैं। निश्चय करके राजा रानी अपने बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने बहन से कहा कि तुम्हारे आते ही पता नहीं क्या हो गया कि हम लोग बहुत परेशानी में आ गए। रानी की दर्द भरी बात सुनकर कहा, मैं क्या जानती हूँ, मेरी तो कर्ता धर्ता माँ संकटा ही हैं, उनके अतिरिक्त कौन है सहारा, इसलिए हमारी आज्ञा हमारे अनुसार तो तुम भी संकटा माता के लिए क्षमा याचना करो, उन्हीं की मान मनोती करो, काम बनेगा। कथनानुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया, सुहागिनों को भोजन कराया और अनजान में हुई भूल के लिए क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माँ प्रसन्न हुई। रात में स्वप्न दिया कि तुम दोनों अपने घर जाओ, मेरी पूजा आराधना करो, मेरे निमित्त सुहागिनों को भोजन कराओ, ऐसा करने से सारा काम बनेगा। वे लोग फिर अपने घर गए और उन्होंने माता संकटा का मंदिर भी बनवाया, उनके निमित्त सुहागनों को भोजन कराया, सबका सम्मान किया।
और माँ की आरती वंदना पूजा किया। इस तरह से माँ प्रसन्न हो गईं और उनके राज्य पाट में पुनः उससे अधिक धन आ गया, सभी प्रकार के सुख आ गए। और माता संकटा के इन भक्तों की कथा को जो भी सुनेगा, सुनाएगा, नित्य प्रति पूजा पाठ करेगा, माँ उसके जीवन में कभी संकट नहीं आने देंगी, उनकी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, इसमें कोई भी तनिक संदेह नहीं है। आइए श्रवण करते हैं माँ की मंगलमय आरती। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी माता, अर्ज सुनो अब मेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी, नहीं को तुम समान जगदाता, सुर नर मुनि सब तेरी। कष्ट निवारण करहु हमारा, लावहु तनिक न देरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी। काम क्रोध वर लोभ के बस पाप ही किया गनेरी, सो अपराध न उर्मे आना, क्षमहु भूल बहु मेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी। हरहु सकल संताप हृदय का, ममता मोहि मेरी, सिंहासन पर वाप विराजे, चवर धुरे चिर सत्य छतेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी। खप्पर खड़ग हाथ में धारे, वह शोभा नहीं कात बनेरी, ब्रह्मादिक सुर पार न पावे, हार तक अहेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी। असुरन का वध तुमने कीना, प्रगट्यो अमित दिलेरी, संतन को सुख दियो सदा ही, तेरे सुनत नहीं कियो अबेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी। गावत गुन गुन निज हो तेरी, बाजत दुंद विभेरी, अस जिन जानी शरण में आयो, तब परताप सुनो बहु तेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी। प्रेम सहित जो करे आरती, तही कर फल नहीं कात बनीरी, भव बंधन में सो नहीं आवे, किसी दिन ध्यान रहे। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी। जय 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 संकटा भवानी, करहु आरती तेरी, करहु आरती तेरी, करहु आरती तेरी।